हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आज मैं इस वीडियो में आपसे कंप्लीट डिस्कस करने वाली हूँ मॉडर्न ट्रेड थ्योरीज। ऑलरेडी मैंने सारी क्लासिकल थ्योरीज आपसे डिस्कस कर ली है, अब मैं आपसे मॉडर्न थ्योरीज डिस्कस करूँगी इंटरनेशनल ट्रेड की। तो अगर आप पहली बार आरजी क्लासेस पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को वायरल कर दीजिए शेयर करके, जिससे उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो पाए। एंड आप ज़रूर चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब भी मैं कोई वीडियो डालती हूँ, या आई बटन से यहाँ पर ना आपको बिल्कुल वीडियो के यहाँ पर वीडियो के टॉप पर आपको कुछ इस तरीके से दिखता है एक बटन, आई बटन, आप ना इस पर क्लिक कीजिए आई बटन पे। इसमें ना काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की वीडियोज़ की लिंक्स दी होती हैं जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती है, एंड आपको बार बार वीडियो को सर्च करने की नीड नहीं पड़ती। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारी फर्स्ट थ्योरी है दैट इज़ कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। ये जो थियोरी थी ये डेवलप इन्होंने की थी, स्टेफन लिंडर ने डेवलप की थी। कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी को हम लिंडर थ्योरी भी बोलते हैं, जो कि कौन से इकोनॉमिस्ट थे, स्वेडिश इकोनॉमिस्ट थे। 1961 में ये थियोरी आई थी, एंड इन्होंने इस थियोरी के थ्रू क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब ये क्या टर्म है इंट्रा इंडस्ट्री, इसको हम आगे पढ़ेंगे। जो लिंडर थियोरी है वे क्या कहती है कि जो कंज्यूमर्स है कंट्रीज़ के अंदर, यानी जो हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज लेकर चलते हैं, यानी हम यहाँ पर उन कंट्रीज़ को लेकर चलेंगे जिनके कस्टमर्स जो है वो सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी सेम स्टेज है, यानी सेम डेवलपमेंट की स्टेज पर है वो कस्टमर्स, और उनकी सिमिलर प्रेफरेंसेस है प्रोडक्ट्स को लेकर, हम उन कंट्रीज़ को लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल एक कंट्री है ए कंट्री, एक है बी कंट्री। ए कंट्री के जो कस्टमर है और जो बी कंट्री के कस्टमर है दोनों सेम लेवल है, यानी दोनों जो जिस स्टेज पर है डेवलपमेंट की वो सेम है दोनों कंट्री के कस्टमर्स की, दोनों कंट्री के कस्टमर्स की जो प्रेफरेंसेस है वो भी सिमिलर है, तो हम ऐसे कंट्रीज़ के बीच में क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। लिंडर थ्योरी ये कहती है, लिंडर हाइपोथेसिस और क्या कहती है, ये एक ऐसी इकोनॉमिक हाइपोथेसिस है जो क्या कहती है, जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम सिमिलर है, जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम सिमिलर है, तो वो वहाँ के जो कस्टमर होंगे उनकी जो प्रोडक्ट प्रेफरेंस होगी वो भी क्या होगी, सिमिलर होगी। सिमिलर क्वालिटी के प्रोडक्ट ही वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, और वही कंट्रीज आपस में क्या करेगी, ट्रेडिंग करेगी। जैसे मैंने यहाँ पर कंट्री ली ए एंड एक मैंने ली बी कंट्री, दोनों कंट्री की जो इनकम पर कैपिटा इनकम है वो सेम है, तो सिमिलर सी बात है, बिल्कुल ऑब्वियस है, अगर पर कैपिटा इनकम सेम है दोनों कंट्रीज़ की तो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग वो जो डिमांड करेंगे प्रोडक्ट्स की वो भी सिमिलर क्वालिटी की करेंगे, उनकी सिमिलर प्रेफरेंसेस होंगी। तो यहाँ पर ऐसी कंट्रीज़ की बात की जाएंगी जिन कंट्रीज़ में सारे फीचर्स प्रेजेंट हो, और उन्हीं कंट्रीज़ के बीच में क्या होगी, ट्रेडिंग होगी। तो यहाँ का जो इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होगा, जो मैंने जो लिंडर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया आपको। यानी जब हम कंट्रीज़ के बीच में ट्रेडिंग करेंगे तो हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, किन किन बेसिस पे वो ट्रेडिंग हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट आता है सिमिलैरिटी ऑफ लोकेशन। कंट्रीज प्रेफर टू एक्सपोर्ट टू द नेबरिंग कंट्रीज इन ऑर्डर टू हैव द एडवांटेज ऑफ लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यानी कंट्री उन अपने पड़ोसी देशों में या उन नेबरिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना प्रेफर करेगी जहाँ पर उनको एक्सपोर्ट करने से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उठानी पड़े। यानी जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को ट्रांसपोर्ट करती है प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो जब वो ट्रांसपोर्ट करेगी दूसरी कंट्री में उस प्रोडक्ट को, तो उसको जो कॉस्ट आ रही है ट्रांसपोर्ट करने की उसको वो कम आए, उसका एडवांटेज उसको मिले, तो ऐसी कंट्रीज ऐसी जगह पर ही एक्सपोर्ट करना प्रेफर करेगी, ऐसे देश में एक्सपोर्ट करना प्रेफर करेगी जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उस कंट्री की कंपनी को कम पड़े। तो यानी यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, सिमिलैरिटी ऑफ लोकेशन की बात कर रहे हैं। इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो फिनलैंड है एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है रशिया का, यानी फिनलैंड सारा अपना ऑलरेडी प्रोडक्ट रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रशिया को एक्सपोर्ट करने से, या रूस भी, आप रशिया को हिंदी में रूस भी कह देते हैं, रशिया को एक्सपोर्ट करने से जो फिनलैंड को कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी कम आती है, ठीक है। सेकेंड आता है कल्चरल सिमिलैरिटीज, यानी कंट्रीज उन कंट्रीज़ को, यानी जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करेगी तो उस कंट्री को प्रेफर करेगी एक्सपोर्ट करना जो सिमिलर कल्चर को शेयर करता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल एक हम ले लेते हैं यूएस, एक हम लेते हैं स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, दोनों ही जगह के जो कस्टमर हैं वो वेस्टर्न अटायर पहनना पसंद करते हैं, यानी दोनों का जो पहने का जो भी उनका ड्रेसिंग सेंस है, जो भी उनका अटायर है
वो कौन सा है? वेस्टर्न है। तो यूएस जो है किसको एक्सपोर्ट करना प्रेफर करेगा अपने प्रोडक्ट्स, स्विट्जरलैंड को, क्योंकि उसको पता है कि उसको वहाँ के जो कस्टमर्स हैं और जो मेरे कंट्री के कस्टमर्स हैं यहाँ पर सेम प्रेफरेंसेस मुझे मिलेगी और वहाँ पर भी मुझे सेम मार्केट मुझे मिलेगी मेरे प्रोडक्ट्स की। इसीलिए जो सिमिलर कल्चर शेयर करती है कंट्रीज, वहाँ पर ये जो कंट्रीज आपस में ट्रेड करना पसंद करेंगी। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी की। आपने मार्केटिंग के अंदर पढ़ा होगा पीएलसी का कॉन्सेप्ट, है ना? तो ये हमारी कुछ थ्योरी वैसी ही है। 90% थ्योरी आपकी उस पीएलसी कॉन्सेप्ट से ही रिलेट करती है, बट ये जो 10% हमारा है, इस 10% को हमें इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग सोचना है, क्योंकि जो हम ये थ्योरीज पढ़ रहे हैं ये हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड थ्योरीज पढ़ रहे हैं, कि जब इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग होती है या जब प्रोडक्ट मूव करता है कंट्री टू कंट्री, तो वो कौन सी पीएलसी की स्टेज में होता है एंड कैसा उसका ट्रेड पर इफेक्ट पड़ता है। तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है, ये जो इकोनॉमिक थ्योरी है, इन्होंने डेवलप की थी, रेमंड वर्नन ने डेवलप की थी। ठीक है, और ये थ्योरी क्यों डेवलप हुई थी? क्योंकि जो हेक्सचर ओलिन मॉडल था उसमें उस थ्योरी के फेल होने की वजह से जो एक नई थ्योरी हमारी रिस्पॉन्स में आई, दैट इज पीएलसी थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, जो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड का जो पैटर्न है वो किस तरीके से हो रहा है कंट्री टू कंट्री। ये जो मॉडल है पीएलसी का, इसमें जो भी प्रोडक्ट्स की बात की जाएगी उन प्रोडक्ट्स में हम लेबर को कम से कम यूज करते हैं, लेबर का सेव करते हैं, और ज़्यादा हम कैपिटल यूजिंग प्रोडक्ट्स या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। एंड जो भी हम पीएलसी में प्रोडक्ट लेकर चलेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, वे प्रोडक्ट्स हाई इनकम ग्रुप्स की नीड को क्या करेगा? केटर करेगा, फुलफिल करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीएलसी थ्योरी ऑफ ट्रेड, द प्रोडक्शन लोकेशन फॉर मैनी प्रोडक्ट्स मूव्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द स्टेज इन द पीएलसी। पीएलसी थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी प्रोडक्ट्स जो कंट्री टू कंट्री मूव करेंगे वे डिपेंड करता है कि पीएलसी की कौन सी स्टेज पर है, इंट्रोडक्शन स्टेज पर है, ग्रोथ पर है, मेच्योरिटी पर है या फिर डिक्लाइनिंग स्टेज पर है। अभी आपको जो मैं एग्जांपल से कराऊंगी तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी जितना मैं आपको करा रही हूँ उतना सुनते जाओ, समझते जाओ, एंड आपको एट द एंड ऑफ वीडियो सारी थियोरीज क्लियर हो जाएंगी। ये जो थ्योरी है वे क्या सजेस्ट करती है, जो पीएलसी की अर्ली स्टेज होती है, जो इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, ठीक है, पीएलसी की, उसमें जो भी पार्ट्स हम प्रोड्यूस करते हैं, जो भी लेबर उसे एसोसिएट करती है, जो भी लेबर हम लगाते हैं उस प्रोडक्ट को, जो भी कैपिटल ज़्यादा हम लगाते हैं उस प्रोडक्ट पे, ये उस एरिया से बिलोंग करती है जहाँ पर वो प्रोडक्ट इन्वेंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस ने एक प्रोडक्ट बनाया कंप्यूटर। जब कोई भी कंट्री नया नया प्रोडक्ट इन्वेंट करती है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट अभी इंट्रोडक्टरी स्टेज पर है, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो अभी सिर्फ लॉन्च हुआ है, अभी कस्टमर को उसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं है, यानी बिल्कुल अर्ली स्टेज पर है। तो जब एक प्रोडक्ट पीएलसी की अर्ली स्टेज पर होता है तो वो प्रोडक्ट उस कंट्री से बिलोंग करता है जहाँ पर उस प्रोडक्ट की इन्वेंशन की गई है। ठीक है, जब वो प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट में अडोप्ट कर लिया जाता है तो वो दूसरी मार्केट्स, दूसरे वर्ल्ड, दूसरे कंट्री की मार्केट्स में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी जो प्रोडक्शन है आपकी वो धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर जाती है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, यानी यूएसए में कंप्यूटर्स की इन्वेंशन हुई, यूएसए में कंप्यूटर्स बनना सबसे पहले स्टार्ट हुआ, हम ये मानकर चलते हैं, यानी ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत हुई सबसे पहले बनना। जब ये कंप्यूटर ग्रोथ से मेच्योरिटी की स्टेज में आ जाएगा, यानी धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस क्रिएट हो गई कस्टमर्स के बीच में, इसकी सेल्स बढ़ने लग गई, सेल्स बढ़ने की वजह से कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए दूसरी कंट्री के, और वो अपना नया नया वर्जन लेकर आए, जिससे ये प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट होने लग गया, यानी जो प्रोडक्शन है वे अब पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मूव करके धीरे धीरे मूव करने लग गई दूसरी कंट्रीज में। ठीक है, इन सम सिचुएशंस द प्रोडक्ट बिकम्स एन आइटम दैट इज इम्पोर्टेड बाई इट्स ओरिजिनल कंट्री ऑफ इन्वेंशन। अब यहाँ पर आप देखिए, जो यूएसए थी जो कि इन्वेंटर थी और इनोवेटर भी आप कह सकते हैं, कि कुछ नया इनोवेशन लेकर आए प्रोडक्ट में अर्ली स्टेज पर, जब हम पीएलसी, ये हम बात कर रहे हैं पीएलसी की इंट्रोडक्शन स्टेज, अर्ली स्टेज,
यहाँ पर यूएसए उस प्रोडक्ट की इनोवेटर है, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट हमारा पीएलसी की एंड स्टेज पर आ जाएगा या डिक्लाइनिंग स्टेज पर आ जाएगा, तो वही सेम कंट्री हमारी क्या बन जाएगी, इम्पोर्टर बन जाएगी। ठीक है, देखिए कंट्री जहाँ पर पहली बार वो प्रोडक्ट फर्स्ट लॉन्च हुआ वो तो है इनोवेटर, लेकिन जब वो प्रोडक्ट पीएलसी की एंड साइकिल पर आ जाएगा, एंड स्टेज पर आ जाएगा, तो वही इनोवेटर कंट्री हमारी क्या बन जाएगी, इम्पोर्टर बन जाएगी। ये कुछ इस तरीके से होगा। अभी जो मैं आपको सारा डिस्कस करूँगी, सारा आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। पीएलसी की पीएलसी थ्योरी के अकॉर्डिंग 5 स्टेजेस है, ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन एंड अबेंडनमेंट। आपने जनरली पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूं तो इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया, सैचुरेशन एंड अबेंडनमेंट। जरूरी नहीं है कि नेट में आपको इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइनिंग दे, चार ऑप्शन आपको क्या पता सैचुरेशन और अबेंडनमेंट भी दे दे, ठीक है, और आपको कहा जाए कि इनको अरेंज करो साइकिल वाइज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पीएलसी थ्योरी ने पीएलसी को 5 स्टेजेस में डाला, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन एंड अबेंडनमेंट, ठीक है। जो प्रोडक्शन की लोकेशन होगी, यानी वो किस कंट्री में अब फिलहाल करंटली प्रोड्यूस किया जा रहा है, वे डिपेंड करेगा कि वो प्रोडक्ट साइकिल की कौन सी स्टेज पर है। अगर वो इंट्रोडक्शन स्टेज पर है, इसका मतलब जिस कंट्री ने उस प्रोडक्ट को खोजा, इन्वेंट किया, या जिस कंट्री ने उस प्रोडक्ट में कुछ नया इनोवेशन लेकर आई, वही कंट्री उसकी एक्चुअल प्रोड्यूसर होगी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुए और वे अर्ली स्टेज पर है, तो जो प्रोडक्शन लोकेशन होगी वो यूएसए की ही होगी, क्योंकि अभी तक तो यूएसए के कस्टमर्स को ही नहीं मालूम कि यूएसए ने कंप्यूटर्स बनाए। जब वे धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, अपनी सेल्स इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर लोगों को पता चलेगा, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे इसी के बारे में डिटेल में, मैंने सारी स्लाइड्स बनाई हुई है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगर मैं बात करती हूँ इंटरनेशनल पीएलसी की, तो इसको 5 फेजेस में डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें आपका प्रोडक्ट मैच्योर भी होता है, डिक्लाइनिंग स्टेज पर भी आता है एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। पहला आता है लोकल इनोवेशन, ठीक है, इसका मतलब यूएसए ने कोई नया प्रोडक्ट इनोवेट किया, ठीक है, वो हो गया आपका लोकल इनोवेशन। ओवरसीज इनोवेशन, जब वो प्रोडक्ट ओवरसीज मतलब कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जाएगा और वहाँ के कॉम्पिटिटर्स कुछ अपना नया वर्जन लेकर आएंगे, उसे हम कहेंगे ओवरसीज इनोवेशन। फिर वो प्रोडक्ट आपका मैच्योरिटी पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो सेल्स है बिल्कुल पीक पर चली जाएगी, यानी यहाँ से इसके बाद हमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी, यानी सेल हमारी यहाँ पर आ जाएगी, इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि सेल आपकी इंक्रीज होगी, इसके बाद आपकी सेल धीरे धीरे डिक्लाइनिंग भी आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर वर्ल्ड वाइड इन्विटेशन, और ये क्यों होगा, क्योंकि अब जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको पता है कि अगर आप बिल्कुल फर्स्ट मूवर है या आप अर्ली एंट्री, यानी आप फॉर एग्जांपल आपने अभी अभी मार्केट में एंट्री की है अपने नए प्रोडक्ट के साथ, और जब आपका प्रोडक्ट प्रॉफिट्स गेन करना स्टार्ट करेगा, तो जब आपका प्रोडक्ट प्रॉफिट्स गेन्स करना स्टार्ट करेगा, तो ये दूसरे कॉम्पिटिटर्स को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये प्रॉफिट्स जो गेन करेगा नया प्रोडक्ट, दूसरे कॉम्पिटिटर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वे अपना नया ही वर्जन लेकर आएंगे, जिससे क्या हो जाएगी, सेल्स आपकी धीरे धीरे डिक्लाइनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी जो वर्ल्ड लेवल पर जो दूसरी कंट्रीज हैं, वो आपके प्रोडक्ट को इमिटेट, कॉपी करना स्टार्ट कर देगी या उसमें कुछ नया इनोवेशन आना स्टार्ट कर देगी, एंड वही चीज़ हमारी वापस साइकिल क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। पहला आता है इंट्रोडक्शन, यहाँ पर आप एग्जाम्पल हमेशा लेके चलना यूएसए का, ठीक है। अभी यूएसए ने कोई नया प्रोडक्ट अपने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जब कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया वो अर्ली स्टेज पर, यानी कस्टमर्स अभी उस प्रोडक्ट के बारे में अनअवेयर हैं, तो उसकी डिमांड क्रिएट करने के लिए जो प्रोड्यूसर्स होंगे यूएसए के, वो उस न्यू प्रोडक्ट को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, ताकि सेल्स को स्टिम्युलेट कर सके, इंक्रीज कर सके। तो अनअवेयरनेस की वजह से अभी कुछ कस्टमर्स को उसके बारे में पता होगा, तो प्रॉफिट्स काफ़ी लो होंगे। अब यहाँ पर प्रॉफिट्स लो है, लेकिन प्रॉफिट्स तो है लेकिन लो है, तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो भी थोड़े होंगे, फ्यू होंगे। जैसे जैसे उसके यूनिट्स जो है प्रोडक्ट्स की भी सेल होना स्टार्ट होगी, यानी जितनी ज़्यादा उसकी सेलिंग सेल इंक्रीज होगी प्रोडक्ट की, उतनी
उतनी ही जल्दी हमारा वो प्रोडक्ट पीएलसी की नेक्स्ट स्टेज पर एंटर करेगा, क्योंकि ये माना गया था कि जो हमारी 18th से 20th सेंचुरी थी, यूएसए ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे और वो ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो हाई इनकम ग्रुप की नीड्स को पूरा कर पा रहे थे, इसलिए यहाँ पर हम यूएसए का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि यूनाइटेड स्टेट ने एक नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया अपने लोकल कस्टमर्स के लिए, यानी जो यूएस जो यूनाइटेड स्टेट्स के कस्टमर होंगे वो लोकल कस्टमर को कहने में आएंगे ना कि नया प्रोडक्ट अगर मान लो हमारे को इंडिया लेकर आती है तो हमारी इंडिया के कस्टमर्स के लिए होगा ना पहली बात, तो वो लोकल कस्टमर्स हो गए। इसी तरीके से जब यूएस ने को नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया तो अपने लोकल कंज्यूमर्स के लिए इन्वेंट किया, ठीक है। जो फर्स्ट प्रोड्यूस कहाँ पर किया गया, यूनाइटेड स्टेट में प्रोड्यूस किया गया। क्यों प्रोड्यूस किया गया? बिकॉज दैट इज वेयर द डिमांड इज एंड प्रोड्यूसर्स वॉन्ट टू स्टे क्लोज टू द मार्केट डिटेक्ट कंज्यूमर रिस्पॉन्स। अब जब वो फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, इन्वेंट किया गया, तो वो पहले उसको लोकली ऑब्जर्व करेगी यूएस कि यहाँ पर यूएस में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और मैं यहाँ पर मैं कंज्यूमर के रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट के फीचर्स है, करेक्टरिस्टिक्स है और जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, ये ऐसी स्टेट में होगा, यानी यहाँ पर जो फर्म होगी यूएसए की वो खुद को ही फैमिलियर करने की कोशिश करेगी कि मेरे प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स मुझे मेरी मार्केट में, यूएस की मार्केट में कैसा मिल रहा है, ठीक है। क्या मुझे कोई प्रोडक्शन में चेंज करने की ज़रूरत है, क्या मुझे कोई फीचर में कुछ और नया लेकर आने की ज़रूरत है, क्या मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यानी कहने का मतलब इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर जो डेवलप्ड इकोनॉमी प्रोडक्शन कुछ नया प्रोडक्ट इन्वेंट करेगी तो वो उसको अपनी ही कंट्री तक सीमित रखेगी, उसको किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं करेगी, यानी कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड इंट्रोडक्शन स्टेज पर नहीं होगा। सो सिंपल। फिर हम बात करेंगे ग्रोथ स्टेज की। इस स्टेज में जो यूएस ने कंप्यूटर इन्वेंट किया था, ठीक है, उसकी अब सेल इंक्रीज, उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लग गई, डिमांड बढ़ने लग गई तो अल्टीमेटली सेल्स इंक्रीज होने लग गई, ठीक है। जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी एक प्रोडक्ट की, यानी आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी पर यूनिट कम हो जाएगी ना, यानी एक तो आप खाली एक कंट्री में सेल कर रहे हो, एक कंट्री की डिमांड्स को पूरा कर रहे हो, फिर आप दूसरी कंट्री की डिमांड को भी पूरा कर रहे हो, यानी डिमांड्स बढ़ती जा रही है तो आपको अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। जितनी आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे उतना आपका पर यूनिट आपकी कॉस्ट कम आती चली जाएगी और प्रॉफिट्स आपके हाई होते चले जाएंगे। अब वो जो प्रोडक्ट था इतना ज़्यादा आपका फेमस हो गया कि कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में एंटर करने लग गए, अपने अपने वर्जन को लाने, अपने अपने वर्जन को लेकर आने लग गए। यानी जब एक प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स, जब एक प्रोडक्ट ह्यूज प्रॉफिट्स को गेन करने लग जाता है तो वो खींचता है दूसरे कॉम्पिटिटर्स को, उनको लगता है कि हमें इसमें अपना कुछ ट्राई करना चाहिए जिससे हमें भी फ़ायदा हो। तो जो कॉम्पिटिटर्स होंगे दूसरी डेवलप्ड इकोनॉमी के, वो अपना ही कुछ नया वर्जन लेकर उस प्रोडक्ट के साथ एंटर कर जाएंगे मार्केट में, ठीक है। तो काफ़ी सारे कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो कंपनी होगी वो प्रमोशनल स्पेंडिंग इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, यानी अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए यूएस काफ़ी सारी प्रमोशन करने के लिए अपने प्रोडक्ट का काफ़ी खर्चा करना स्टार्ट कर देगी, एडवर्टीजमेंट पर या कोई सेल्स प्रमोशन पूजा पोर लगा दीजिए, कोई गिफ्ट्स निकाल दिए, ठीक है, कोई कूपन्स निकाल दिए। तो इस तरीके से प्रमोशनल अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए काफ़ी खर्चा करना स्टार्ट कर देगी यूएस, ठीक है। जब काफ़ी सारे पोटेंशियल न्यू कस्टमर्स आ जाएंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, यानी सेल्स हमारी पहले यहाँ पर थी फिर और बढ़ गई, अब जब आपकी सेल्स एक लेवल से आके और बढ़ जाएगी तो ये आपका मैच्योरिटी स्टेज में एंटर कर जाएगा, यानी आपकी यहाँ पर अब उस प्रोडक्ट की सेल्स पीक पर है, यानी मैच्योरिटी स्टेज में प्रोडक्ट को अब हर कस्टमर जानता है, हर कंट्री जानती है, यहाँ पर आपकी जो सेल्स इतनी पीक पर पहुँच जाती है कि वो आपकी स्लोअर रेट से इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। अब इसके अलावा अब इसकी जो यूएसए ने कंप्यूटर फर्स्ट अपने कंट्री में लॉन्च किया था, मैच्योरिटी स्टेज में आने के बाद दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज अनदर डेवलप्ड कंट्रीज उस प्रोडक्ट के बारे में जानने लग गई। दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज में उसकी क्या बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, फॉरन डिमांड इंक्रीज हो गई, ठीक है। एंड हमने यहाँ पर डेवलपिंग इकोनॉमी क्यों नहीं लिया, डेवलप्ड क्यों लिया, क्योंकि
जब कोई डेवलप्ड कंट्री अपना कोई प्रोडक्शन अपना कोई प्रोडक्ट लेकर आती है, तो वो ऐसा प्रोडक्ट लेकर आती है जो हाई इनकम कस्टमर्स की डिमांड्स को पूरा कर पाए। तो जब वो फर्स्ट आपका धीरे धीरे पॉपुलर होना स्टार्ट होगा प्रोडक्ट एक डेवलप्ड कंट्री का, तो सबसे पहले दूसरे डेवलप्ड कंट्री उसको अप्रोच करेगी प्रोडक्ट को लेने के लिए, ठीक है। तो मैच्योरिंग स्टेज पे आने के बाद जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या करेगी, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको ये यूएसए है, ये मैं मैच्योरिटी स्टेज की बात कर रही हूँ, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। जब आपकी स्विट्जरलैंड की तरफ से, यानी जब स्विट्जरलैंड के लोग यूएसए की प्रोडक्ट की डिमांड करने लग गई, ठीक है, तो यूएसए क्या करेगी, स्विट्जरलैंड को एक्सपोर्ट कर देगी प्रोडक्ट को मैच्योरिटी की स्टेज पर, ठीक है। यहाँ पर यही बात की गई थी। अगर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ, अगर कोई नया इन्वेंटेड प्रोडक्ट है जिसने फॉरेन डिमांड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, अगर फॉरेन डिमांड इंक्रीज होगी तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करोगे, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट क्या करेगी, एक्सपोर्ट कर देगी उस प्रोडक्ट को दूसरी हाई इनकम कंट्रीज या दूसरी डेवलप्ड नेशंस में। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया जो मैं आपको कराना चाह रही थी। फिर हमारी फोर्थ स्टेज आती है सैचुरेशन की स्टेज। ये वो स्टेज होती है जिसमें आपकी सेल ना ही तो इंक्रीज होती है ना ही आपकी सेल डिक्रीज होती है। आप अपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स या फीचर्स में कुछ चेंजेस लेकर आओगे जिससे आप न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओ। जो कॉम्पिटिटर्स होंगे इस स्टेज के, वो अपने मार्केट शेयर को गेन करना स्टार्ट कर देंगे। एंड देन फिर आपकी आती है डिक्लाइनिंग स्टेज, यानी अब यहाँ पर आपकी जो सेल्स पीक पर थी वो आपकी सेल्स धीरे धीरे डिक्लाइनिंग में आना स्टार्ट हो जाती है। इवेंचुअली अगर आपकी सेल्स डिक्लाइनिंग में जा रही है तो आपके रिवेन्यूज क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। आपका जो प्रोडक्ट होगा अब बिल्कुल भी इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं रहेगा, यानी इसका मतलब अगर आप अभी भी उस प्रोडक्ट पर खर्चा कर रहे हो, प्रमोशनल स्पेंडिंग कर रहे हो, तो जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो कम मिलेंगे, आपके जो रिटर्न्स होंगे वो लेसर देन होंगे आपकी कॉस्ट से, ठीक है। तो इसलिए अब आपको इस प्रोडक्ट में पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको यहाँ से अपनी प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू कर लेना चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कम कर लेनी चाहिए। तो प्रोडक्ट को वे डिसकंटिन्यू कर लेगी यूएसए, ठीक है, और उसको दूसरी कंपनी को सेल कर देगी, ठीक है। और जो प्रोडक्शन होगी अब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ। अब मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियोरी है वो क्या कहती है कि जो इंट्रोडक्शन की स्टेज होती है उसमें जो प्रोडक्शन करती है वो डेवलप्ड इकोनॉमी करती है। जब आपका वही सेम प्रोडक्ट जो यूएसए ने बनाया था जब वो मैच्योरिटी स्टेज पर आ जाता है तो वो उसको दूसरी डेवलप्ड इकोनॉमी में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी। एंड आफ्टर दैट जब वे दूसरी डेवलप्ड इकोनॉमी में चला गया तो और कॉम्पिटिटर्स आए, अपना अपना प्रोडक्ट लेकर आए, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल धीरे धीरे क्या होने लग गई, सेल्स पीक पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे नीचे आने लग गई। तो अब यूएसए को ये लगने लग गया कि अगर मैं अभी भी इस प्रोडक्ट में रहा तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो डेवलपिंग इकोनॉमी में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। और उसी सेम प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो डेवलपिंग कंट्री से उस प्रोडक्ट को क्या करेगी, इम्पोर्ट करेगी। यानी यूएसए ने जहाँ पहले एक्सपोर्ट किया था उस प्रोडक्ट का लास्ट में, यानी पीएलसी की लास्ट स्टेज पर, डिक्लाइनिंग की स्टेज पर, उसी प्रोडक्ट को वो क्या करना स्टार्ट कर देगी, इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए जो प्रोडक्शन होगी उस प्रोडक्ट की वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, डेवलपिंग कंट्री में शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि जो यूएसए की कंपनी है वो अपनी ब्रांच सेटअप कर लेगी इंडिया में बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसलिए वे मूव कर सकती है दूसरी कंट्री के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बात कर रही थी कि अभी वो जो यूएसए की कंपनी है वो इंडिया में क्या सेटअप कर लेगी, एमएनसी सेटअप कर लेगी बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो इस वजह से, क्योंकि हमारे इंडिया में जो लेबर कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का हमें मिल जाएगा, तो अब हम यूएसए की कंपनी क्या करेगी, इंडिया से उस चीज़ को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी। अब कैसे, यूएसए ने जब इंडिया में अपनी कंपनी सेटअप करी तो इंडिया में सारे प्रोडक्ट्स वो क्या करेगी, रेडी करेगी,
और वही प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली कहाँ एक्सपोर्ट कर देगी, यूएसए को एक्सपोर्ट कर देगी, इन अदर वर्ड्स वैसे उनको इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो रेमंड वर्नर ने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है एक प्रोडक्ट को और उसकी प्रोडक्शन लोकेशन को, किस बेसिस पर, पीएलसी की स्टेजेस पर, स्टेजेस की बेसिस पर। फर्स्ट आता है जब एक फॉर एग्जांपल यूएसए ने कोई नया प्रोडक्ट क्या किया, लॉन्च किया, ठीक है, तो उसकी जो प्रोडक्शन लोकेशन होगी वो यूएसए की ही होगी, यूएसए उसका एक्सपोर्टर बनेगा दूसरे नेशन में, ठीक है। जब वही सेम प्रोडक्ट आपका मैच्योरिंग स्टेज पर आ जाएगा तो यहाँ पर जो सेल्स है बिल्कुल पीक पर हो जाएगी, बाकी कंट्री के कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर करना स्टार्ट कर देंगे, फॉरन डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी दूसरी डेवलप्ड इकोनॉमी से, क्योंकि अब कस्टमर में उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो गई। तो स्विट्ज़रलैंड के लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे यूएसए के प्रोडक्ट के, एंड जिससे कि ये यहाँ प्रोडक्शन लोकेशन कहाँ हो जाएगी, हमारी स्विट्ज़रलैंड में आ जाएगी, जो अपने ही नए वर्जन का प्रोडक्ट लेकर आएंगे और उसको यूएसए से इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर जब वो प्रोडक्ट आपका डिक्लाइनिंग स्टेज पर आ जाएगा तो यूएसए को अब कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा उस प्रोडक्ट में अपना पैसा लगाने से, तो यूएसए क्या करेगी, इंडिया में जाएगी, डेवलपिंग इकोनॉमी में जाएगी और वहाँ पर अपने कोई एमएनसी या कोई ब्रांच सेटअप कर लेगी एंड अपने इंडिया में वो क्या करेगी, सारे प्रोडक्ट्स रेडी करेगी, क्योंकि लो कॉस्ट है लेबर की, लो कॉस्ट ऑफ लेबर, गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड जब अपने इंडिया में डेवलपिंग इकोनॉमी में उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, देन वो इंडिया क्या करेगा, यूएसए को उन प्रोडक्ट को क्या कर देगा, एक्सपोर्ट कर देगा। और अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को, तो उसका मतलब यूएसए इंडिया से क्या कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। यानी न्यू प्रोडक्ट जो होगा आपका वो यूएसए में होगा डेवलप्ड इकोनॉमी में, मैच्योरिंग स्टेज में भी वो डेवलप्ड इकोनॉमी में ही रहेगा प्रोडक्शन लोकेशन उसकी, एंड जब वो डिक्लाइनिंग पे आ जाएगा तो प्रोडक्शन लोकेशन चेंज हो जाएगी, वो डेवलपिंग इकोनॉमी हो जाएगी और जो इनोवेटर था प्रोडक्ट का, जो इन्वेंटर था, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली पीएलसी की एंड स्टेज पर आते आते इम्पोर्टर बन जाएगा उसी सेम प्रोडक्ट का, ठीक है। अब जो हमारी लास्ट थ्योरी है दैट इज न्यू ट्रेड थ्योरी। जो न्यू ट्रेड थ्योरी है वो किस पर फोकस करती है कि हमें किस तरीके से अपने रिटर्न्स को इंक्रीज करना चाहिए, अपने फायदों को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और ये थ्योरी कब डेवलप हुई थी आपकी, 1970 के लास्ट में डेवलप हुई थी एंड 1980s के अर्ली में ये थ्योरी आपकी डेवलप हो चुकी थी। जो न्यू ट्रेड थ्योरी है एंटिटी, वो हमें क्या समझाने में मदद करती है कि जो बड़ी बड़ी बिग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं वही क्या बनते हैं, ट्रेड पार्टनर्स बनते हैं और वही बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़ी बड़ी कंट्रीज की फर्म्स आपस में सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग करती है। और जो ये बिग और डेवलप्ड कंट्रीज की जो कंपनीज होती है, ह्यूज लेवल की लार्ज कंपनीज, यही वर्ल्ड ट्रेड का 50% से भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करती है। अब न्यू ट्रेड थ्योरी कहती है कि ऐसा क्यों होता है कि ये बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज ही आपस में पार्टनर्स बनती हैं, बिकॉज उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स अचीव करना होता है। नेटवर्क अफेक्ट्स की वजह से भी जो बिग और डेवलप्ड नेशन है वो आपस में पार्टनर्स बनते हैं, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया कारों को एक्सपोर्ट भी करते हैं, यानी कारों को प्रोड्यूस भी करता है लोकली खुद और उनको एक्सपोर्ट भी करता है दूसरी कंट्री और वहाँ से इम्पोर्ट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़े जो डेवलप्ड नेशन है उनकी वैरायटीज, क्योंकि कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा वैरायटी चाहिए होती है एक चीज़ के अंदर, और कस्टमर्स के डिमांड को पूरा करने के लिए वो बड़े बड़े नेशंस को अप्रोच करती है और वहाँ से उनको इम्पोर्ट करती है, ठीक है। तो हमारे न्यू ट्रेड थ्योरी में कौन कौन से इकोनॉमिक की इकोनॉमिक सेक्टर्स है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का आप लगा लीजिए, ITs का लगा लीजिए, फूड्स का, ऑटोमोबाइल्स का, ठीक है, इंडिया जैसे कार्स को खुद प्रोड्यूस भी करती है, उसको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी करती है। तो एंटिटी क्या आर्ग्यू करता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने की वजह से और नेटवर्क इफेक्ट्स की वजह से एक कंट्री दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करती है, एंड वही कंट्री जिस कंट्री को एडवांटेजेस है, यानी जो कंट्री एक चीज़ को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है, वही मार्केट को क्या कर सकती है, डोमिनेट कर सकती है और वही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फॉर्म ले सकती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है बहुत ही, यानी
बहुत ही क्लोज प्रोडक्ट्स है। यानी एक इंडिया ने प्रोड्यूस की कार, एक यूएसए ने प्रोड्यूस की कार, कार एग्जैक्टली सिमिलर है, बस थोड़े से फीचर यूएसए ने क्या कर दिए, अलग कर दिए, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और जो कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में होता है। ठीक है, तो क्या कहती है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी डिमांड लोकली तो खूब होती ही होती है, साथ ही दूसरी फॉरेन डिमांड भी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कस्टमर्स को वैरायटीज चाहिए। ठीक है, तो जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर पाती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि पर यूनिट प्रोडक्शन कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से कॉस्ट धीरे धीरे एक प्रोडक्ट की कम हो जाती है। कॉस्ट कम होगी तो प्राइसेस कम होंगे, प्राइसेस कम होंगे और क्वालिटी उमदा क्वालिटी है। तो इसीलिए वही न्यू ट्रेड थ्योरी क्या कहते हैं, वही कंट्री पूरी मार्केट को डोमिनेट कर सकती है जो मार्केट एक प्रोडक्ट को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है और जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर सकती है। ठीक है, ये हमारी थी न्यू ट्रेड थ्योरी। सो गाइज, आई होप आपको आज तीनों ही थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई, प्रोडक्ट सिमिलैरिटी थ्योरी, PLC थ्योरी एंड न्यू ट्रेड थ्योरी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ऑलवेज रिजॉल्व योर डाउट। एंड इन वीडियोस को वायरल कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स अपने डाउट्स को क्लियर कर पाए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।